हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। अगर आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो मैं बार्क 2021 का भी जो एग्ज़ाम हुआ है फिजिक्स का, उसका सॉल्यूशन डाल रही हूँ। तीन लेक्चर मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, ये मेरा फोर्थ लेक्चर है। तो क्वेश्चन मेरे पास क्वांटम मैकेनिक्स का है। अगर मेरे पास ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम का गिवन है, जिसका वेव फंक्शन गिवन है हमारे पास साई जीरो किसकी फॉर्म में है, ए इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आर बाई ए, देन वाट विल बी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ वन बाई आर स्केयर। हमें पता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू को हम इस टाइप से दिखाते हैं। सबसे पहले ग्राउंड स्टेट जो हाइड्रोजन एटम का होता है उसके लिए एन मेरे पास क्या होता है, वन होता है। तो मेरे पास एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करती है, जीरो टू एन माइनस वन। एन मेरे पास वन है तो जीरो टू जीरो मीन्स एल मेरा जीरो है, और एम किस पे डिपेंड करता है, एल पे, माइनस एल टू प्लस एल। तो एल जीरो है तो एम मेरा क्या हो गया, जीरो। तो मेरे पास वेव फंक्शन किस टर्म्स में आ गया, साई एन एल एम। एन मेरा वन है, एल मेरा जीरो है, एम मेरा जीरो है। तो यहाँ से क्या हो गया, साई वन जीरो जीरो मेरा वेव फंक्शन हो गया। और ये आपको ऑलमोस्ट याद ही होता है। इसके दो तरीके से मैं वन बाई आर स्केयर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू दिखा रही हूँ। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वन बाई आर स्केयर का एटम्स के लिए, जेड स्केयर, जेड मेरा एटोमिक नंबर है, होल डिवाइडेड बाई ए स्केयर, एन क्यूब एल प्लस हाफ। ए वैसे तो बहुत रेडियस होता है, ए नोट भी यूज़ करते हैं। तो एन मेरा यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए आप देखोगे तो वन है, एल मेरा जीरो है, जेड एटोमिक नंबर हाइड्रोजन एटम का वन होता है। तो जस्ट सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज़, वन ए स्केयर, एन मेरा वन है, एल मेरा जीरो है, हाफ टू बाई ए स्केयर आ गई वैल्यू। दूसरा तरीका ये भी है, अगर ये फॉर्मूला याद ना हो, वेव फंक्शन आपको क्वेश्चन पेपर में ऑलमोस्ट गिवन होता है, नहीं तो आप याद भी रख सकते हो, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक्सपोनेंशियल माइनस आर बाई ए, और ए जो मेरा कॉन्स्टेंट था उसकी वैल्यू क्या होती है, दिस वन, ये होती है वन बाई स्केयर रूट ऑफ पाई ए क्यूब। तो वन बाई आर स्केयर की वैल्यू निकालिए आप। जनरल ये फॉर्मूला होता है जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो टू ये होता है आर की रेंज, ये जीरो टू पाई होती है मेरी थीटा की रेंज, फाई मेरा वेरी करता है जीरो टू टू पाई। मोड साइज स्केयर, वन बाई आर स्केयर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रही है, इंटू आर स्केयर डी आर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। तो जीरो टू टू पाई जब मेरा डी फाई वैल्यू वेरी कर रहा है तो ये मेरा क्या आएगा, टू पाई। और जब मेरा थीटा वेरी कर रहा है जीरो टू पाई साइन थीटा डी थीटा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, टू। तो टू इंटू टू पाई, फोर पाई मैंने बाहर निकाल लिया, ये कॉन्स्टेंट है। जीरो टू इन्फिनिटी मोड साइज स्केयर आर स्केयर बाई आर स्केयर डी आर इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस टू आर बाई ए डी आर। तो यहाँ से आर स्केयर से आर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा मेरे पास, फोर पाई, और जो है वेव फंक्शन के अंदर वन बाई पाई ए क्यूब का स्केयर किया तो वन बाई पाई ए क्यूब, और ये रहा यहाँ से एक्सपोनेंशियल माइनस टू आर बाई ए डी आर। अब मेरे पास ये फॉर्मूला गामा फंक्शन, आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी में क्वेश्चन आता है। जीरो टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर एम एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एल्फा इंटू एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू गामा एम, जो कि x की पावर है, प्लस वन, होल डिवाइड किससे करोगे, जो एक्सपोनेंशियल में x का कोफिशियंट है n, और होल डिवाइडेड बाय जो अल्फा है इसका भी कोफिशियंट क्या रहेगा, जो गामा के अंदर है, m प्लस वन बाई एन। सिमिलर यहाँ अप्लाई कीजिए, गामा m प्लस वन बाई एन, एम तो r की वैल्यू जीरो है तो m वन जीरो प्लस वन बाई एन, एन यहाँ पे रेज टू पावर क्या है, वन है तो वन, और डिवाइड क्या करोगे, जो कोफिशियंट बन रहा है आर का, टू बाई ए होल डिवाइड इंटू वन। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया मेरा, फोर बाई ए क्यूब इंटू ए बाई टू दैट इज इक्वल टू टू बाई ए स्केयर, सेम आ रहा है आंसर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्टिकल फिजिक्स का क्वेश्चन है। मेरे पास रिएक्शन गिवन है ई पॉजिटिव प्लस पी पाई जीरो प्लस न्यू ई न्यूट्रिनो, और ये क्या है, पॉजिट्रॉन। तो इसमें हम कैसे, ये रिएक्शन अलाउड है या नहीं है, चार्ज कंजर्वेशन देख सकते हैं। ई पॉजिटिव पे प्लस वन चार्ज है, प्रोटॉन पे प्लस वन चार्ज है, पाई जीरो पे जीरो चार्ज है, एंड न्यूट्रिनो पे जीरो चार्ज है। तो ये मेरे पास क्या हो गई रिएक्शन, डेल्टा क्यू अलाउड नहीं, इधर टू है इधर जीरो है। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट का देखते हैं तो डेल्टा क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स चार्ज कंजर्वेशन, लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन, एल ई।
ई पॉजिटिव के लिए माइनस वन होगा, न्यू ई के लिए वन होगा, पी के लिए जीरो, पाई के लिए जीरो। तो डेल्टा एल ई भी क्या देखोगे, वन माइनस माइनस वन यानी प्लस टू का चेंज आ रहा है, तो डेल्टा इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। इसी तरह से बैरियन नंबर, ई पॉजिटिव के लिए जीरो, प्रोटॉन के लिए मेरा वन, पाई जीरो के लिए मेरा जीरो, न्यू ई के लिए जीरो। तो डेल्टा बी भी मेरा जो है बैरियन नंबर के अंदर भी चेंज जीरो नहीं है, इट मीन्स दिस रिएक्शन इज़ नॉट अलाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।